हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज हम ले लेते हैं BHDS 184 का यूनिट 2 रेडियो का इतिहास। आपके एग्जाम होने वाले हैं, करीब ही हैं, ठीक है। तो रेडियो के इतिहास में आज हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे, जो मुझे लगेगा, मेरे हिसाब से जो लगेगा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है वही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए रेडियो का इतिहास जो है यूनिट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यदि आपने वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लीजिएगा, राइट। तो रेडियो का उद्भव और विकास दिया हुआ है इसमें, ठीक है। फिर भारत में रेडियो का प्रसार एवं इतिहास, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये इतना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेडियो का प्रसारण का इतिहास क्या रहा स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। फिर दूसरा है आकाशवाणी सेवा के विविध आयाम कौन कौन से हैं, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूं, लेकिन हाँ प्रसार भारती का गठन और रेडियो प्रसारण का बढ़ता नेटवर्क, ये दो क्वेश्चन एक साथ करके ये पूछ सकता है। फिर आकाशवाणी की नई सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो ये जो नई सेवाएं हैं इनको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, 1 या 2 लाइन में हो सकता है, टिप्पणी करने के लिए आता है तो टिप्पणी के रूप में आपसे पूछ सकता है कि FM सेवा क्या है, रेडियो ऑन डिमांड सेवा क्या है, डिजिटल रेडियो सेवा क्या है, टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है, तो माइंड में रखना है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। ओके सॉरी, अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना देख लेते हैं कि रेडियो के आविष्कार ने जन संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और हकीकत है ये। जैसे शहरों में टीवी और मल्टीमीडिया ये सिनेमा प्लेक्स वगैरह होते हैं, उसी तरह से गांवों में रेडियो है, ठीक है। रेडियो एक श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है, श्रव्य का मतलब सुनना, तो इसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, सिर्फ इसे सुना जाता है, देखा नहीं जाता है। टीवी जो है श्रव्य दृश्य दोनों साधन के अंतर्गत आता है और इसका संबंध सुनने से है, ठीक है। जन संचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई उसका आकाशवाणी ने भरपूर उपयोग किया, क्योंकि आकाशवाणी रेडियो में हम क्या करते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से ही तो सुनते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व ये नहीं था, स्वतंत्रता के बाद ही जो है इसका विस्तृत रूप हमें दिखाई दिया। स्वतंत्रता प्राप्त स्वतंत्रता मिलने के पहले बहुत ही कम रेडियो था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन जैसे स्वतंत्रता मिली आजादी आई उसके बाद घर घर में रेडियो होने लगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपका क्या, एक प्रस्तावना रेडियो के बारे में जो इसमें आप पढ़ोगे वो प्रस्तावना में होता है। रेडियो का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ, रेडियो का आविष्कार किस तरह से हुआ है, तो विज्ञान ने नए नए आविष्कारों का मानव जीवन को सुखमय बनाने में योगदान दिया है और रेडियो का आविष्कार भी इन्हीं में से एक है। रेडियो सेट पर जब हम रेडियो सुनते हैं तो कोई समाचार या संगीत का कार्यक्रम सुनते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि यह आवाज हम तक कैसे पहुंचती है, और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो है विस्तार से चर्चा इसमें नहीं करेंगे, पिछली टाइम हम पढ़ चुके हैं, आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखा है तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा, मैंने आपको उसको उसमें पढ़ाया था, ठीक है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो 1896 में इटली के एक वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था, ठीक है ना। और इसके पूर्व रेडियो तरंगों का प्रयोगिक उपयोग जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिच हर्ज ने किया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देखिए, क्योंकि रेडियो का आविष्कार उद्भव और विकास जो है मुझे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी किसने किया था ये आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है थोड़ा ये क्वेश्चन इसमें कि रेडियो का उद्भव और विकास से आप क्या समझते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का क्वेश्चन इसमें जोड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मार्कोनी के बारे में देख लेते हैं कि मार्कोनी के बेतार के तार यानी वायरलेस टेलीग्राम की सहायता से एक छोर से दूसरे छोर तक व्यक्ति की बातें होने लगी। तो मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया, टेलीफोन का, जिसे बेतार के तार कहा जाता है, और ये सब बातें सांकेतिक भाषा में ही होती थी और धीरे धीरे इनमें बहुत ज्यादा विकास हुआ और क्रांति को इसने एक जन्म दिया, सांकेतिक भाषा की क्रांति को, ठीक है। तो आरंभ में रेडियो का उपयोग क्या होता था, जनरली सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता था, सुरक्षा ले यूज किया जाता था, जो नाविक लोग होते थे, मछुआरे लोग होते थे, वो जब समुद्र में फंस जाते थे तो उनको बुलाने वगैरह के लिए रेडियो का उपयोग किया जाता था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग गोपनीय सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी किया जाने लगा था। तो आरंभ में ये रेडियो का उपयोग होता था, जन जन तक नहीं था, बहुत ही कम था, महत्वपूर्ण कामों में यूज किया जाता था, ठीक है। विदेश में रेडियो का उद्भव ये मत देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्वेश्चन यहाँ पे दे ही दिया है। दुनिया में पहली बार रेडियो के माध्यम से समाचार का प्रकाशित किया गया था, देखिए तो देख लेते हैं, 1916 में रेडियो के माध्यम से समाचार प्रसारित किया गया, तो पहली बार 1916 में, ठीक है ना, तो पहली बार हो जाएगा 1916 में। ओके, राइट, ओके।
आरंभिक दौर में रेडियो प्रसारण की दिशा में किन किन देशों ने पहल की थी? तो जैसे आपको पता है यहाँ पे फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस ऐसे देश थे जिन्होंने इसका सफल उपयोग किया था। ठीक है, अमेरिका तो सबसे पहले नंबर पे आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे आ जाता है, फिर इसके बाद कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, इटली आदि ऐसे देश थे जिनका उपयोग इन्होंने किया था। ठीक है ना, ओके, ब्रिटेन भी इनमें सबसे आगे था, राइट। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं भारत में रेडियो का इतिहास, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ के बारे में जानिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व रेडियो का स्वरूप क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन के ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के गठन के बाद भारत में भी इस दिशा में सोचा जाने लगा कि यहाँ भी रेडियो की शुरुआत की जानी चाहिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में रेडियो से पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 में बंबई में शुरू हुआ। तो भारत का याद रखिएगा 23 जुलाई 1927, ठीक है। 1916 में विश्व की बात चले तो 1916 में पहली बार, लेकिन भारत की बात चले तो 1927 में। और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बंबई में इस केंद्र का उद्घाटन किया था, और उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता केंद्र का भी उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर स्टेनलेस जैक्सन ने किया था, ठीक है ना। तो मेन एक याद रखिएगा, 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में किया गया था रेडियो का पहला प्रसारण या उद्घाटन, ठीक है। बॉम्बे प्रसारण केंद्र का उद्घाटन भाषण देते हुए लॉर्ड इरविन ने कहा कि प्रसारण के लिए भारत में विशेष संभावनाएं हैं, ठीक है ना, और ये जो दूरियां हैं वो कम कर देगी। कौन कम कर देगा? रेडियो कम कर देगा, और मनोरंजन और शिक्षा दोनों की दृष्टि से इसकी संभावनाएं अधिक होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। इरविन का कथन सही निकला था, भारत में प्रसारण के विस्तार में काफी संभावनाएं देखने को मिली थी, और 1927 के पूर्व प्राइवेट कंपनियों क्लबों द्वारा शुरू हो गया था रेडियो का प्रसारण। और शुरू शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने आपस में मिलजुल कर बंबई में प्रसारण का कार्य शुरू किया था, ठीक है। तब स्वतंत्रता के पूर्व की बात है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने भी हल्के फुल्के मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था, बिना का सिवा का, ये सभी चीजें आती थी ना, याद है हम लोग को विविध भारती कितना सुना करते थे, बहुत सारी चीजें हैं जो स्वतंत्रता के बाद की है। इन रेडियो क्लब का प्रसारण 21 जुलाई 1924 से शुरू हुआ था, ठीक है, ओके। चलिए, मार्च 1926 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई गई, और कंपनी ने 13 सितंबर 1926 को प्रसारण करने का लाइसेंस सरकार से प्राप्त कर लिया, और इस कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में 1.5 किलोवाट क्षमता के ट्रांसमीटर लगाए थे, ठीक है, यानी 55 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग जो होते थे इन कार्यक्रमों को आसानी से सुन सकते थे, और इस तरह भारत में प्रसारण की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन आता है किस तरह से हुई, तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है। लेकिन वही हुआ, आर्थिक संकट, वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई, जिसके कारण कंपनी घाटे में चलने लगी थी, और कंपनी की आय जो है लाइसेंसों से प्राप्त होती थी, और लाइसेंसों से कंपनी को इतनी आय नहीं मिलती थी कि अपना जो काम है सुचारू रूप से चला सके, क्योंकि बहुत खर्चा होता था, ट्रांसमीटर का खर्चा होता था, रखरखाव का होता था, जो लोग कार्यक्रम करते थे उनको सैलरी देनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया कि वे आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, और भारत सरकार ने कंपनी को अपने अधीन कर लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया। और नाम बदल जाने पर आर्थिक दृष्टि से कोई सुधार नहीं आया, जो जैसा था वैसा ही हुआ, ठीक है ना, ओके। दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए सरकार ने जनवरी 1934 में 2.5 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, ठीक है, और यहाँ पे 50% शुल्क की वृद्धि भी कर दी गई थी, और ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की आय दुगनी वृद्धि हो गई थी। सरकार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की प्रसारण प्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे स्वतंत्रता के पहले रेडियो का विकास हुआ, स्वतंत्रता के पहले। और 1935 में अगस्त माह में भारत भेजा गया था किसे? श्री लायनेल फील्डन को, ठीक है, एक वरिष्ठ अधिकारी थे ये। और 30 अगस्त 1935 को कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पद संभाल लिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने एक अलग ऑफिस खोला, ऑफिस उद्योग और श्रम विभाग के अधीन रखा गया था, और रेडियो के स्टेशन की शुरुआत के लिए फील्डन ने बीबीसी से अनुसंधान विभाग के प्रमुख एच एल विर्की की सेवाओं की मांग की। तो इतना ज्यादा आपको नहीं लिखना है, बस मेन मेन चीजें आपको इसमें लिखनी है, क्योंकि अगर आप इतना डीपली जाएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। साथ में ट्रांसमीटरों के निर्माण के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई थी वह पर्याप्त नहीं थी, उन्हें ये लगता था, और उन्होंने मीडियम वेव तथा शॉर्ट वेव की मिलीजुली सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। और भारत आगमन के बाद प्रसारण के विकास में कार्य आरंभ होने लगा, और 1936 में
दिल्ली में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने प्रसारण आरंभ कर दिया था और दिल्ली में प्रसारण के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना हुई थी और 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल दिया गया और इसके स्थान पर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। याद होगा, रिमेम्बर होगा, मुझे भी याद है कि मैंने भी ऑल इंडिया रेडियो बहुत सुना है और उसमें गाने वगैरह भी बहुत आते थे। न्यूज तो आती थी लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा मनोरंजन के हिसाब से गाने वगैरह भी आते थे। और दिल्ली केंद्र से जब प्रसारण आरंभ हुए तो इस बात का ध्यान रखा गया कि रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम शहरों तक ही ना हो बल्कि इनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हो। तो ये है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है ना, जो कि कब था, स्वतंत्रता से प्राप्ति के पहले तक का है। ठीक है, आप स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद का विकास रेडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक अहमद शाह बुखारी के कार्यकाल के दौरान एक योजना बनाई गई और स्वतंत्र भारत का पहले रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 को जालंधर में खोला गया और 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में रेडियो स्टेशन से प्रसारण आरंभ हुआ और इसके बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाए गए और प्रसारण को गति मिली। ठीक है, 1948 में पटना, कटक, अमृतसर, शिलांग, नागपुर, विजयवाड़ा, पणजी सभी में इसके प्रसारण के केंद्र खोल दिए गए थे। योजनाएं बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं उनमें रेडियो को प्राथमिकता दी गई थी, यानी रेडियो को भी रखा गया था और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में भी रेडियो की भूमिका को महत्वपूर्ण समझा गया। लोगों तक संदेश पहुंचाना होता था तो रेडियो ही एक माध्यम होता था। ठीक है ना, और स्वाधीनता प्राप्त के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बने थे। उन्होंने एक नई दिशा दी थी, किसको, रेडियो को। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस वक्त बंटवारा हुआ था तब 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचि और लखनऊ भारत में रह गए थे। 3 रेडियो स्टेशन लाहौर, पेशावर, ढाका तत्कालिक पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है ना, ढाका जो अब बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद अलग एक देश बना था। ओके, तो आजादी के बाद जब देश में स्थितियां अनुकूल हुई तब प्रसारण की योजना और अधिक विस्तार दिया गया, ध्यान दिया गया और अधिक ज्यादा इनका विस्तार किया गया। कोने कोने में ट्रांसमीटर लगाए गए, उनको प्राथमिकता दी गई। शिक्षा और मनोरंजन का माध्यम बनकर रेडियो श्रोताओं तक पहुंचा था। सिर्फ अब वो टाइम नहीं रह गया था कि सिर्फ संदेश को, समाचार बस को भेजा जाए, बल्कि वहां पे से सूचना के साथ साथ में शिक्षा और मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया था। और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुप्रेरित होकर इसका नाम आकाशवाणी हो गया। यह है स्वतंत्रता के बाद का रेडियो। ठीक है, और आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र आया और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई। पंचवर्षीय योजना में उन्होंने रेडियो को भी शामिल कर दिया गया था, रेडियो को भी इसमें, यानी आकाशवाणी रेडियो के विकास की, विकास को प्राथमिकता दी और इसमें इसको शामिल किया गया। ठीक है ना, ओके, तो 1947 तक में इतना काफी है। स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद का पढ़ लीजिएगा, इससे इतना ही आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, ओके, चलिए देखिए, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था। ठीक है ना, ओके, राइट, चलिए, आकाशवाणी सेवा के विविध आयाम कौन कौन से हैं। देखिए तो विविध आयाम कौन कौन से हैं, जैसे समाचार सेवा विभाग है, ठीक है ना, मैंने मतलब जो आकाशवाणी से 3 स्तरों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, 3 स्तर होते हैं उनको प्रसारित करने के लिए, पहला राष्ट्रीय होता है, दूसरा क्षेत्रीय होता है, तीसरा स्थानीय होता है। आप समझिएगा, राष्ट्रीय में सिर्फ यानी पूरे देश की खबरें बताई जाती हैं, दूसरा क्षेत्रीय होता है, ठीक है, जिसे हम प्रादेशिक बोलते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि भोपाल का है या फिर दिल्ली का है, यानी कि स्टेट वाइज जो समाचार होते हैं अपने अपने स्टेट के समाचार बताते हैं तो बोलते हैं नहीं प्रादेशिक समाचार है, तो वो क्षेत्रीय हो जाता है। फिर तीसरा स्थानीय हो जाता है, जो स्थानीय लोकल जो नेटवर्क होता है वो कैच करता है, उसमें चौपाल वगैरह सभी चीजें लगाई जाती है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा के हिसाब में। ठीक है ना, तो आकाशवाणी से समाचार सेवा, विदेश प्रसारण सेवा, विविध भारती, विज्ञापन प्रसारण सेवा, ये सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो आकाशवाणी सेवा के विविध आयाम कौन कौन से हैं, समाचार सेवा प्रभाग हो गया, इसे समाचार भी प्रसारित किया जाता है, सभी समाचार इसमें सुनाए बताए जाते हैं। ठीक है ना, फिर दूसरा विदेशी प्रसारण सेवा भी हो जाता है, क्योंकि दूसरों देशों से भी संपर्क हमें रखना होता है, उस देशों में क्या चल रहा होता है के बारे में भी हमें जानना होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक सभी चीजों की जानकारी जो किसके माध्यम से दी जाती है, रेडियो के माध्यम से दी जाती है। तो लगभग 27 भाषाओं में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रसारण विश्व के लगभग 100 देशों में रहने वाले भारतीयों के दिलो दिमाग को तरोताजा करते रहते हैं। तो क्या होता है, विदेश में भी इनका प्रसारण होता रहता है, वहां पे रहने वाले लोगों तक अपने देश की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा समाचार उनको मिलता रहता है। ठीक है, ओके,
फिर विविध भारती भी है, वाणिज्यिक सेवा भी है। तो 40 वाणिज्यिक प्रसारण केंद्र हैं, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और भी बहुत सारे हैं। तो ये ऐसे सेवा हैं जो कि आकाशवाणी के माध्यम से चलाए जाते हैं। ठीक है, मनोरंजन के कार्यक्रम विविध भारती में भी चलाए जाते हैं, गाने वगैरह इसमें चलाए जाते हैं, नाटक वगैरह, नौटंकी वगैरह भी इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, और न्यूज जो होता है इसमें कम होता है, लेकिन मनोरंजन के हिसाब से विविध भारती कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन आपका जो था भारत में स्वतंत्रता प्राप्त, स्वतंत्रता पूर्व और आकाशवाणी के विविध आयाम कौन कौन से हैं, आकाशवाणी के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने प्रकार हैं, जो हम देख चुके हैं। प्रसार भारती का गठन ये देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, ये रेडियो से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो भारत सरकार ने 4 सितंबर 1964 को श्री अशोक चंदक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति को आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यानी कि जो कुछ भी होता है वो प्रसार भारती के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि यदि पैसे का आवंटन करना हो, कुछ कार्यक्रम रिलीज करना हो, कुछ भी देना हो, तो एक समिति जो होती है वो पूरा प्रसार भारती देखती है। ठीक है, किसका, आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ओके, तो इसमें तो इतना ही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास ज्यादा और है। अगर थोड़ा सा देख लीजिए एमएफ सेवा क्या है, एफएम सेवा हम लोग जनरली देखते हैं कि आजकल एफएम बहुत ज्यादा चल रहा है और अब तो शहरों में सिटी के एफएम हो गए हैं। पहले तो देश, फिर स्टेट आया, स्टेट से फिर एक आंचल में आया, अब तो हर एक शहर के एफएम हो गए हैं। अलीगढ़ हो गया, रीवा हो गया, इस तरह के एफएम चलाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एफएम चैनल प्रसारित होते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से सिर्फ ये चलाए जाते हैं। यहाँ पर उस नगर में, उस शहर में, उस जिले में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो न्यूज होती हैं, वो दिए जाते हैं। लोकल स्टेशनों पर एफएम ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। ठीक है, और जनरली इनमें पूरे दिन गीत वगैरह, गाने वगैरह चलते रहते हैं, फरमाइशी गाने भी चलते हैं, आपके नंबर भी वो देते हैं, आप उसमें कॉल भी लगाते हैं, फिर आप अपनी फरमाइश की सुनते हैं। तो सभी चीजें एफएम सेवा के अंतर्गत जो है शुरू की गई थी। ठीक है ना, ओके, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है एफएम, राइट। ओके, चलिए, फिर प्राइवेट रेडियो चैनल भी कुछ हो गए हैं। एफएम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण प्राइवेट रेडियो चैनल, एफएम चैनल यानी टाइम स्लॉट जो होते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ा दिए गए थे। सामुदायिक रेडियो भी हैं, तो ये थोड़ा सा आप एक नजर रख लीजिएगा। फोन इन कार्यक्रम भी है, जो मैं आपको बोल रही थी, फोन इन कार्यक्रम, इसमें श्रोताओं से उनके रुचि के गाने पूछे जाते हैं, फिर वहां पे सुनाए जाते हैं। कभी कभी स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में एक डॉक्टर को बिठा लिया जाता है, एक दो फिर वो नंबर दिए जाते हैं, फिर उनसे आप कॉल करके कुछ पूछते हैं तो वो बताते हैं। तो ये फोन इन कार्यक्रम होते हैं, जैसे इग्नू में चलता है, कभी कभी लाइव चलता है और आप वहां पे सेशन होता है और आप वहां पे कोई क्वेश्चन क्वेरी करते हैं और वहीं पे आपको जवाब मिल जाता है। तो ये फोन इन कार्यक्रम होता है, घर बैठे बिठाए आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। ठीक है ना, तो इतने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगा, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लगा कि रेडियो का उद्भव और विकास जरूर देख लीजिएगा, भारत में रेडियो के प्रसारण का इतिहास देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता से पूर्व भी, स्वतंत्रता के बाद का देख लीजिएगा, और सेवा के विविध आयाम आकाशवाणी के कौन कौन से हैं, प्रसार भारती गठन थोड़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी आता है तो आप 100% लिख लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। और नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी वो 3 होगी, वो भी हम आज ही अपलोड कर देंगे। और आई थिंक ये छोटा सा है, ये छोटा कोर्स है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कितने यूनिट है ये हम आपको देख के बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसमें यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 यूनिट है। ठीक है ना, तो रेडियो लेखन फर्स्ट यूनिट हो जाएगा, सेकंड भी जो है रेडियो लेखन ही है। तो अभी हम फर्स्ट ब्लॉक रेडियो लेखन है, सेकंड ब्लॉक भी रेडियो लेखन के बारे में ही है। ठीक है, तो हम थर्ड यूनिट भी लेके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।